नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सरोज जी हैं जो सोशल वर्कर हैं। इनसे सवाल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन डेरा सच्चा सौदा के बारे में, संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के बारे में सवाल करते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है और संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसान का धर्मों के बारे में क्या कहना है। अभी जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो भी चर्चा में चल रहा है टॉपिक, उसके बारे में भी जानेंगे इनसे कि इनका क्या मानना है। सरोज जी, आपका द फैक्ट टाइम चैनल में स्वागत है। सरोज जी, मतलब किस तरह के कार्य आप लोग करते हैं? पहले हम सोशल जो काम है, जो भलाई की काम है, वो लगातार करते आ रहे हैं। जैसे कि गरीब लड़कों की, लड़कियों को कोई माँ बाप नहीं पढ़ा सकते पढ़ाना, और कोई गरीब है बहन जो विधवा है उनके सर पे छत नहीं है मकान बना कर देना, और किसी का जैसे एक ही घर में कमाने वाला है वो नहीं खिला सकता बच्चों को, उनका राशन का लगातार 6 महीने तक, साल तक भी लगातार उनको राशन देना। ऐसे जो इन्हें हमें सिखाया हैगा मानता भलाई के काम करने, वो लगातार हम करते रहते हैं, क्योंकि हम कम से कम 40 सालों से हम डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हैं। और जो आजकल चल रहा है कि बेअदबी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा को बदनाम करने की पूरी साजिश चल रही है, पर क्योंकि हम 40 सालों से इधर आ रहे हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि जो संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह इंसा, कोई भी इंसान इनका पिछला चाहे पुराने से पुराना सत्संग सुन सकता है, कहीं भी इन्होंने ऐसी शिक्षा दी हो भी किसी को धर्म को गलत कहा हो, क्योंकि यह तो एक बहुत बड़ी साजिश है जो डेरा सच्चा सौदा को बदनाम करने की है। क्योंकि सारे सत्संग जिससे भी हम ऐसे, जैसे हम ये कार्य करते रहते हैं, सत्संग से मिलते हैं अक्सर, भलाई में कामों में हर टाइम इकट्ठे होते रहते हैं, जब भी कोई कार्य होता है तो सत्संग तो बहुत ज़्यादा तड़पते भी, जो भी जैसे एक सत्संग में भी, पहले भी जब 2015 में बेअदबी हुई तब भी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने बहुत कड़ी निंदा करी उनकी, जिन्होंने ये इतनी मनगढ़ंत घटना जो बहुत ही मतलब कभी गलत थी, उनके लिए बहुत निंदा करी। और मतलब कभी हम ये कह सकते हैं भी जो भी ये साजिश है वो सामने आए और आएंगे भी एक दिन, क्योंकि अक्सर जो भी जीत होती है सच्चाई की जीत हमेशा होके ही रहती है। तो हम ये, मैं तो खुद अपना बता सकती हूँ, क्योंकि जब हम सुनते हैं भी इतने मानवता भलाई के काम करने वाले और इतने मतलब कभी जो नरक जैसी ज़िंदगी में लोग जी रहे थे उनको मतलब इतना सीधे रास्ते पे डालना, जैसे कि बेशुमार लड़कियों की शादी करवाना, वो उससे नरक वाली ज़िंदगी नहीं हो सकती, और फिर भी इस कार्य में संत जी को फंसाया जा रहा है, तो हमारी तो यही दिल से मतलब कि बहुत ज़्यादा दुख होता है भी जिन लोगों ने ये बेअदबी की है और या इन्होंने करवाई है। हम तो अपने मालिक से के आगे यही अरदास करते हैं कि उनको मतलब कि एक दिन जरूर, आप ही कुल मालिक हैं, चाहे कोई अल्लाह कहे, गॉड कहे, खुदा कहे, है तो भगवान एक, पर उससे हम, हमारा यही अर्ज है कि वो एक दिन जरूर दुनिया के सामने आए। और वो इतना जो आज कोरोना जैसी महामारी चल रही है, हम तो कह ये सोचते हैं, वैसे तो शहनशाह जी ने हमें सिखाया है कि सबका भला मांगो, पर जब हमें भी दुख होता है जो हमारे इतने मानता भलाई के काम करने वालों संत गुरमीत डॉक्टर राम रहीम सिंह जी इंसा को इतने मतलब कभी गलत कामों में फंसाया जा रहे हैं, तो उनके लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी खुद एक नरक थी और हमारे घरों में इतनी सुख शांति हमें इस दर से मिली है, कहीं और मिल नहीं सकती। हम यही सोचते हैं भी जिन लोगों ने ये बेअदबी की है और यह करवाई है, उनको कोरोना जैसी बीमारी लगे और जो चाहे वो अल्लाह कहे, गॉड कहे, खुदा कहे, उससे मतलब कि ये मांगे भगवान से भी, हे मालका, हे वाहेगुरु जी, हमने ये बेअदबी की है और हमें इसकी मतलब कि माफ़ी आप ही दो, क्योंकि वो खुद अपने मुँह से एक दिन ज़रूर दुनिया के सामने आए। हमारी तो आज के टाइम इस टाइम अब इस दिन रात इसी तरह भगवान के आगे अरदास करते हैं भी जिसने भी की है, क्योंकि हर एक पास से ये हो रहा हैगा भी ये डेरा वाला ने की है, सिरसे वाला ने की है, हम कहते भी जिसने भी की है बस वो अपने आप मुँह से इतना मतलब कि खुद अपने आप ही कहे भी हमने ये, वाहेगुरु जी हमने ये की है और हमें माफ़ कर दो, वो दुनिया के सामने एक दिन जरूर आए, यही हमारी जी बहुत ज़्यादा इच्छा है।
आपने कभी भी, मतलब जैसे आपने बोला 40 सालों से आप डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हो, गुरुजी को भी तब से जानते हो, तो इतने सालों में भी कभी भी आपने गुरुजी के मुंह से सुना हो किसी धर्म के बारे में या किसी इंसान के बारे में अलग तरीके से सुना हो? कभी भी नहीं सुना, क्योंकि हमें तो जितने भी यहाँ, कई बार जैसे हमारी आत्मा तड़फ रही है अब भी, बहुत हमारी अकेले की नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कि साथ संगत है, हर किसी की मतलब कि ये अंदरों हर किसी को दुख हो रहेगा भी डेरे के नाम पर थोपा जा रहेगा। ता जब भी कई बार आपको पता ही है दुनियादारी में जैसे भी बहुत पहले भी बहुत इल्ज़ाम लगाए, ता साथ संगत जब भी ये कई बार ऐसा सोचते ता शहनशाह जी हमेशा ही कहते सबका भला, सबका ही भला सोचते हैं, चाहे कुछ भी कोई करे, पर सतगुरु ने तो हमेशा ही हर किसी का भलाई किया हैगा और भलाई करते हैं और भलाई हमें करना सिखाते हैं। डेरा सच्चा सौदा किस धर्म की शिक्षा देता है, मतलब किस धर्म की शिक्षा यहाँ आश्रम में दी जाती है? जो डेरा सिरसा में हमें शिक्षा देती है सारे धर्मों को, चाहे कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सारे धर्मों का ही यहाँ पे सत्कार करना सिखाते हैं, क्योंकि जैसे हम पहले बता चुके हैं कि 40 सालों से हम जुड़े हैं, शहनशाह जी ने हर एक स्टेट में जैसे MP महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सत्संगा की हैं और परमपिता जी ने भी सत्संगें की, तो जिस जगह पे भी जाते थे जैसा भी कोई धर्म स्थान होता था पहले ये सारे ही सत्संग तो सिखाया जाता था, भी जैसा भी यहाँ पे रूल है उसे मुताबिक चलना है, चाहे मंदिर में जाते हैं मंदिर के हिसाब से, मस्जिद में जाना उस तरफ से, और आपने कई बार मैगजीन में भी अखबारों में भी आपने भी खुद देखा ही होगा, सारी दुनिया ने देखा ही है भी शहनशाह जी जब भी कहीं भी जाते हैं किसी जगह पर धार्मिक स्थान पर जैसा भी उधर का सिस्टम होता है उसी हिसाब से मतलब के सत्कार करते हैं, और हमें ये भी सबको सारी सत्संग तभी यही सिखाया जाता है भी, क्योंकि शहनशाह जी हमेशा सत्संग भी फरमाते हैं भी, भगवान कहो अल्लाह को गॉड को खुदा को, भगवान एक ही है, वो सारे सबके अंदर है, इसलिए फिर मतलब कभी सारी साथ संगत को कैसे मतलब कभी सिखा गलत की रास्ता दिखाने की कहेंगे, और कोई भी पुराना सत्संग सुन लो शहनशाह जी ने कभी भी किसी के धर्म के खिलाफ एक भी लफ्ज कहा हो तो हम जो भी आप कहोगे हम सजा उस मतलब कभी गलती की सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम उनके मुरीद हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है उनके साथ? बस वही बात भी जो भी है, जैसे कि यह शहनशाह जी नाम देते हैं, बुराइयां छुड़वाते हैं, शराब छुड़वाते हैं, जिनके जैसे कि आज आपको पता ही है भी जैसे कि लॉकडाउन खुला और जो एक इंसान दिहाड़ी कर कर खाता है वो काम बंद ठप और शराब के ठेके शरेआम खुले, क्योंकि क्या शराब के बिना सरता नहीं, क्योंकि जो लोग एक टाइम के खाने के लिए भी तड़प रहे हैं और शराब के लगातार ठेके हैंगे, तो अगर कोई इंसान कोई जाता भी है कहीं सेवा जाता था अगर कोई काम के लिए, या नहीं पता उसके क्या कोई ऑब्जेक्शन लगा दे और शराब के शरेआम ठेके खुल रहे हैं, तो जहाँ शराब के ठेके जैसे बंद होंगे तो फिर वो तो चिड़ेंगे ही चिड़ेंगे, फिर वो संत जी को वो सही समझेंगे, क्योंकि सरकार ने खुद भी बताया है भी जो ठेके बंद हुए लॉकडाउन में इनको बहुत ज़्यादा घाटा पड़ा, तो जो लोग नाम लेते हैं दरबार में आते हैं तो अंदर कभी वो शराब छोड़ते हैं तो जो जिनके शराब के ठेके उनको तो घाटा ही पड़ेगा, फिर वो अच्छा थोड़ा सा गुरु जी को कहेंगे, वो तो अपनी मनगढ़ंत बातें बनाएंगे। 3 साल होने वाले हैं लगभग गुरु जी अब नहीं है समाज के अंदर, तो अब क्या प्रभाव पड़ा है इतने समय में गुरु जी का समाज के अंदर ना रहने से, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? जो साथ संगत है वो तो ज्यों की त्यों खड़ी है और उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के आ रही है, क्योंकि हर एक इंसान से जैसे मिलते हैं अपने सत्संग बहन भाई या रिश्तेदार, कोई ऐसा तो नहीं होता भी एक इंसान सत्संगी है उसके रिश्तेदार कहीं सत्संगी हो, हर एक तरह के आप रिश्तेदारों में शादी में कोई भी फंक्शन में जाते हैं, हर एक इंसान के अंदर यही होता है भी जब से गुरु जी गए हैं बहुत ज़्यादा मतलब कभी जैसे शराब वाला या कोई और भी काम, जैसे ये बीमारी है कोरोना वायरस या और भी मतलब कभी कहर ही वर्त रहे, क्योंकि जो पूर्ण फकीर होता है पिछला इतिहास खोल के देख लो तब तक जब जैसे जैसे अच्छाई आती है तब बुराई साथ होती होती है, जब समा होता है सब इंसान को नहीं पता चलता, जब जैसे पिछला इतिहास हमने देखा नहीं है सिर्फ हम किताबें और या जो लिखा है उसमें पढ़ ही सकते हैं, और जो जब ये इतिहास पिछला था तब भी तो उस टाइम भी तो अच्छे लोग थे, अब भी यही बात है कि क्योंकि जब से गुरु जी गए हैं साथ संगत जे कहें भी कई काम होगी कम नहीं हुई,
उससे ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जिनका पहले कम विश्वास था आज उसका बहुत ज़्यादा है। कई जैसे हमारी बहनें बहुत ज़्यादा सेवा पे आती हैं, उनके हस्बैंड पहले नहीं मानते थे, इसके बाद ज़्यादा उनका विश्वास हुआ है। मेरा तो यही कहना है, बाकी सबको मैं कहना को ना मानो वाली बात है, साह संगत है तो सारी दुनिया सच्चाई को सब अच्छी तरह जानती है, पर माने ना माने ये तो उनकी मर्जी है। क्या जरूरत है समाज को गुरुजी की? बहुत ज़्यादा, क्यों नहीं जरूरत, आएंगे तो कोई अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वो अपने लिए तो कुछ भी नहीं करते। जब से गुरुजी आए हैं स्टेज पे, शरेआम साध संगत को ऐसा तो होता नहीं है, अभी कहीं वही उधर सत्संग ही आते हैं, बाहर से भी लोग बहुत ज़्यादा, जैसे गाड़ियाँ इतनी आती है, सारे ड्राइवर भाई या कोई और बहन भाई या किसी को अपना मिलवर्तन वाला यार दोस्त होता है उसको लेके आते हैं। हर किसी ने देखा ही आएगा जब भी गुरुजी बताते हैं, और जैसे आपको बताया भी है इतने सालों से हमारे हैं गुरुजी यही कहते भी, उन्होंने अपने लिए तो कुछ किए ही नहीं, जो कर रहे हैं साध संगत के लिए। जैसे 23 साल की उम्र में गुरुजी को गुरुगद्दी मिली, इस इतनी छोटी उम्र में, छोटे बच्चे भी थे, तो क्योंकि जो शहनशाह जी ने जैसे भी रूहानियत की जो भी होते ये संतों को पता, जैसे उनको गुरुगद्दी दी, उसके बाद घर में एक तरफ भी नहीं देखा बच्चों की तरफ, क्योंकि सारी साध संगत, सारी दुनिया, सारी सृष्टि उनके लिए तो जो पूर्ण फकीर होता है उसके बच्चे ही होते हैं। और क्योंकि जो भी बच्चे मतलब कभी उसको टाइम दिया तो परमपिता ही ने किया भी टाइम देते थे, था ऐसे नहीं है जैसे साध संगत मिलती है ऐसी परिवार के लिए टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है भी अलग से ही कोई मतलब कभी सिर्फ अपने बच्चों के लिए देखा है। हम तो ये कहेंगे जो 7 करोड़ साध संगत और सारी जिसने नाम लिया ना लिया, चाहे वनस्पति है जितनी भी है, तो सारी ही वो फकीर की औलाद होती है, और जो फकीर होता है वो सारी औलाद का ही भलाई सोचता है, कभी भी बुरा नहीं सोचता। तो इसलिए जैसे आपने सवाल किया भी गुरु जी को क्या ज़रूरत है, हम तो ये कहेंगे बहुत ज़्यादा, 100% नहीं 1000% गुरु जी की ज़रूरत है, क्योंकि जेड़ा इंसान जिसको जैसे कहते हैं अभी जो भी कोई काम कुछ भी करना हो गुरु जी के सिवाय पूछे बिना अगला कोई ख्याल ही नहीं करता था। आप भी गुरु जी चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहें, पर जो फकीर का काम होता है ये इंसान नहीं समझ सकता, पर जितनी साध संगत है उसके किसी से भी मुँह से सुन लो, आज भी गुरु जी चाहे उधर बैठे हैं, लोग चाहे सुनारिया कुछ भी कहें, हमारे लिए जो सुनारिया धाम है, साध संगत के लिए जो सुनारिया धाम है, तो उधर भी हमेशा साध संगत के ही काम करते हैं, भलाई के लिए ही सोचते हैं। जैसे कोरोना जैसी महामारी बीमारी चली, उसके लिए शहनशाह जी ने काढ़े के वचन किए भी, जो काढ़ा मतलब कभी ये बनाया, जो साध संगत या नाम ले भी मतलब एक विश्वास है वो ले रही है, उसको भी बहुत ज़्यादा फायदे हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अंदर से बीमारी निकल रही है। इस करके साध संगत को, सारी दुनिया को शहनशाह जी की ज़रूरत है, गुरु जी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से यही मांग कर रहे हैं, सरकार ऐसा नहीं है भी सरकार को पता नहीं होता, सरकार ही कौन सी हुई जिसको पता ही ना हो, सरकार को सब पता होता हैगा। चलो हम कुछ नहीं कह सकते, जैसे कि गुरुजी भी हमेशा सत्कार ही करते थे कानून का, क्योंकि कानून की जब गुरुजी पालना करते थे तो मतलब कि साध संगत कैसे नहीं पालना करेगी, तो सरकारों को सब कुछ पता होता है, तो हमारे से नहीं कमाए, और सरकार को जो सही है सही मतलब फैसला दे, तो फिर गलत के क्यों पीछे मतलब के लगे, एक साजिशा नहीं है और कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी साढ़े नाल जुड़न लई, फैक्ट साझा करन लई। दोस्तों लगातार असी फैक्ट कलैक्ट करन दी कोशिश कर रहे हैं, थोड़े नाल सीधा लोगों नू रूबरू करवा रहे हैं जिहड़े फैक्ट दस रहे ने, डेरा सच्चा सौदा विसन डॉक्टर गुरमीत रामदीप सिंह जी हंसा दा, और खासकर जो हुण मुद्दा चल रहा है, हुण चर्चा च चल रहा है कि गुरु जी दे उप्पर जिहड़े होर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये लोगों का मानना है कि बिल्कुल वो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा सदा ही सारे धर्मां दा सन्मान करता है ये लोगों का कहना है, और गुरु जी ने अज तक सारे धर्मां दा सन्मान किया है, तो लोगों नू सारे धर्मां दा सन्मान करन लई कहा है, तो यह लोगों की मंग भी है सरकार तो कि डेरा सच्चा सौदा वे गुरु जी के बारे जिन्हें भी आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हां नाल चंगी तरह वो जांच की जाए, तो सच्चाई नू सामने लिया जाए। थोड़ी की राय है, खुले दिमाग नाल सोच कर कमेंट बॉक्स जरूर पाओ, देखते रहो द फैक्ट आई और सच का साथ देने चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।